आज मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडों पे चर्चा की गई। मैं क्रम अनुसार ही चलूँ, सॉरी 23 23 एजेंडों फिर से तो नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 23 एजेंडे पे निर्णय हुए हैं, मैं क्रम अनुसार चलूँगा। परिवहन विभाग में लोकहित दृष्टिकोण रखते हुए परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और चार्जिंग स्टेशन पर सब्सिडी का की पॉलिसी स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत जो दो पहिए वाहन हैं, तीन पहिए वाहन हैं, मालवाहक वाहन है, यात्री वाहन है और साथ ही साथ बस हैं, अन्य पर एक इलेक्ट्रॉनिक जो बसेस हैं और व्हीकल्स हैं उस पर सब्सिडी की पॉलिसी की स्वीकृति दी गई। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक जो दो पहिया वाहन है उस पर 5,000 की सब्सिडी होगी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 7,500, और ये केवल प्रथम 10,000 वाहनों के लिए होगी। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो सबसे पहले 10,000 वाहन होंगे उनको 10,000 की सब्सिडी और 5,000 की सब्सिडी और 7,500 की सब्सिडी। साथ ही साथ इनके जो मोटर वाहन कर हैं, जो मोटर व्हीकल टैक्स है, पहले 10,000 के उसमें 75% की छूट होगी और 50% छूट अन्यथा इस नीति के प्रभावी होने तक रहेगी। तो 75% हो गए फर्स्ट 10,000 के और अन्यथा 50% 75% है, मतलब फर्स्ट 10,000 जो व्हीकल्स होंगी उस पर 75% है, उसके बाद 50% है। और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निर्देश के अंतर्गत ये जो अधिकृत सेवा प्रदाता है उसमें 20% इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन और तृतीय वर्ष में समाप्ति पर 40% इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन और चौथे वर्ष में 50% इलेक्ट्रॉनिक दुपहिया वाहन के बेड़ा भी शामिल रहेंगे। तो ये बेसिकली ये जो टैक्स है दो प्रकार के छूट होगी, एक तो टैक्स पे होगी। देखिए जो अगर आप दो पहिया वाहन आप खरीदना चाहते हैं तो फर्स्ट 10,000 मतलब 10,000 वाहन मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे तो जो पहले 10,000 वाहन जो खड़े होंगे इस पॉलिसी के उनको 5,000 रुपीज़ पर व्हीकल आपको सब्सिडी मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के होंगे तो आपको 7,500 की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही साथ अगर फर्स्ट 10,000 व्हीकल्स में आप होंगे तो आपको 75% ऑफ द रोड टैक्स आपको सब्सिडी में मिलेगा, मतलब 75% ऑफ द रोड टैक्स की छूट होगी। और अगर आप उस 10,000 से ऊपर होंगे तो आपको 50% की छूट होगी। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार दो पहिया वाहन पे तीन पहिया वाहन पर थ्री व्हीलर पे है यात्री वाहक पर 50% की छूट है और इलेक्ट्रॉनिक तिपहिया वाहन मालवाहक पर 50% की छूट है। ये है छूट आपका क्रय एवं निबंधन पे है, जो आपका ये रजिस्ट्रेशन पर आपकी छूट है। इलेक्ट्रॉनिक चार पहिया वाहन फोर व्हील तीन पहिया वाहन यात्री वाहक, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा, पॉलिसी लेना आपको, आप लिख लीजिएगा ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक तीन पहिया वाहन में बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन पर 50% छूट रहेगी और बिहार राज्य क्रय एवं निबंधन नए तीन पहिया वाहन यात्री वाहक को सड़क परिवहन राजमार्ग मतलब और बाकी जो भारत सरकार देती है वो तो अलाउड ही है। और इलेक्ट्रॉनिक तीन पहिया वाहन मालवाहक, जो मालवाहक है जो सामान वाहन होती है उस पर 50% की छूट रहेगी जो निबंधन एवं मोटर वाहन, नहीं खरीदने पर नहीं है, केवल टैक्स पर छूट है ठीक है। लेकिन चार पहिया में फिर आपका फोर व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक चार पहिया वाहन क्रय प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आर बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन प्रथम 1,000 चार पहिया वाहन पे होगी और अधिकतम सीमा 1,50,000 होगी। ये किलोवाट आवर पे है, फोर व्हीलर पर 10,000 प्रति किलोवाट आर और मैक्सिमम है 1,50,000 किलोवाट, हाँ 1,500, ये 1,50,000 है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और 1,25,000 है अन्य जातियों के। क्लियर हो गया आपको, प्रति किलोवाट है 10,000 और प्रथम 1,000 व्हीकल फर्स्ट 1,000 व्हीकल पे है, एस सी एस टी के लिए 1,50,000 और अन्य जाति के लिए 1,25,000।
1,25,000